हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। हम लोग अपने शरीर को हमेशा एक मशीन की तरह यूज़ करते हैं, राइट? कुछ घंटे सोएंगे, जैसा थोड़ा बहुत खाना खाया खा लिया, ब्रेड पकोड़े से काम चला लिया, चाय बिस्किट के साथ हम कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज सेल्फ पैम्परिंग। सेल्फ पैम्परिंग दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ योर होल लाइफ। आपकी होल लाइफ में जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पैम्परिंग। सो व्हाट इज दिस सेल्फ पैम्परिंग? यू आर यूजिंग योर ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। आप मशीन की तरह अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं, राइट? सुबह उठते हैं, कोचिंग में जाते हैं, या अपनी पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी वगैरह चले गए, या कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। आउटपुट तो ले रहे हैं आप, इनपुट थोड़े बहुत आपका काम चल रहा है, खाना आना खा लिया, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन आर यू पैम्परिंग योर सेल्फ? स्टार्ट लविंग योर बॉडी। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट करिए। ये फोकस कैसे हो सकता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। यू हैव टू फिक्स योर टारगेट्स, राइट? आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको अपने टारगेट्स फिक्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस हफ्ते में मैं इतने चैप्टर कंप्लीट करूंगा या करूंगी, और इसके बाद आई विल पैम्पर माई सेल्फ। पैम्परिंग कैसे करेंगे? पैम्परिंग हो सकती है जो चीजें आपको पसंद हैं, उस तरह से आप सेल्फ पैम्परिंग करिए, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह पैम्परिंग करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को पैम्परिंग करते हैं, लेकिन ये सेल्फ पैम्परिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रियलाइज, राइट? अपना टारगेट फिक्स करिए, उसके बाद अपने आपको पैम्परिंग करिए। आपको म्यूजिक पसंद है, आपको मूवीज पसंद है, आपको चॉकलेट्स पसंद है, इस तरह का कुछ भी आप यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ पैम्परिंग। वी नो मैनी ऑफ द टॉपर्स, वॉट दे यूज टू डू, दे विल फिक्स देयर टारगेट। अपना एक हफ्ता की पढ़ाई करेंगे, आफ्टर दैट दे विल गो टू वॉच मूवी, ठीक है। वो उसे एज अ इंसेंटिव यूज करते हैं, राइट? दे आर पैम्परिंग देमसेल्व्स एंड दे आर यूजिंग दीज थिंग्स विच दे लाइक एज इंसेंटिव्स, राइट? सो इन दिस वे, वॉट एवर यू लाइक, यू आर नॉट अवॉइडिंग दोज थिंग्स। In fact, you are using your weaknesses or whatever is you are liking as your incentives, right? So this self-pampering is very much important whenever it comes to the long-term output of your body, output of your intelligence, right? क्योंकि हम लगातार पढ़ते रहेंगे, आखिरी में आके आपकी बॉडी थक जाएगी, आपका आउटपुट जो होता है बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाएगा, राइट? इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ पैम्परिंग। आप डेली बेसिस पे भी सेल्फ पैम्परिंग करिए, जैसे कि आपने अपना टारगेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि यू हैव टू डिवाइड योर टारगेट्स। आप सीधा ये मत सोचिए कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, हो जाएगा, मेरा इतना सारा सिलेबस है, मैं मैनेज कर लूंगा। इस तरह से नहीं होगा। जस्ट मेक इट अ बिग गोल, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। आपका साल का पूरा गोल है दैट यू हैव टू क्लियर योर यूपीएससी, देन योर गोल इज कि मैं इस महीने में इतना कोर्स कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद आपका वीकली गोल आता है, उसके बाद उसका आपका डेली गोल आता है, राइट? ये सब आपको चार्ट मैपिंग करनी होनी चाहिए। ये ऑल दिस शुड बी ऑन योर चार्ट। मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पुराना लेक्चर लिया था, उसको भी आप एक बार देखना। हाउ यू हैव टू निकाल, आपको टाइम निकालना है अपने बिजी शेड्यूल से। 25 आवर्स आपको बनाने हैं, 24 घंटे जो होते हैं उसको आपको 25 घंटे में कन्वर्ट करना है। अपना जो टाइम शेड्यूल है उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जब आपको दिखेगा अपनी आंख के सामने कि मैं इस घंटे में इतना कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, देन इट विल गिव यू अ मेंटल क्लिक। ये आपको फिर मेंटल क्लिक देगा, राइट? सो इस चीज के ऊपर फोकस करिए, एंड डेली बेसिस पे सेल्फ पैम्परिंग करिए। आपका जब कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद अपने आप को पैम्पर करिए, और उसके बाद आप वीकली बेसिस पे अपने